पाकिस्तान एटमी असासों की सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा महफूज बनाने वाला मुल्क करार, एनटीआई न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट जारी। 7 दर्जे बेहतरी के बाद पाकिस्तान ने भारत को 6 पॉइंट पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल नॉर्मल्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा है। तनसीबात के तहफ़ में 47 में से पाकिस्तान का 33वां और भारत का 38वां नंबर है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर असम जीत का एनटीआई इंडेक्स रिपोर्ट का खैर मकदम। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में आज समाअत होगी। अदालत ने नैब और दरख्वास्त गुजार के वकला को बहस के लिए तलब कर रखा है। दरख्वास्त गुजार में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया है। पंजाब असम्बली में तरीकसार तहफ़ बुनियाद इस्लाम बिल की मंजूरी। स्पीकर परवेज इलाही कहते हैं कि ये बिल दीन की सरबुलंदी के लिए संग मील साबित होगा। खातमुल नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया की नमूस की हिफाजत हो सकेगी। खुल्फा राशिदीन उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत और सहाबा की नमूस का भी तहफ़ होगा। गोरों की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बड़ी तैयारियां। खिलाड़ी आज भी डर्बी शायर में ट्रेनिंग करेंगे। दूसरा 4 रोजा अपैरा स्क्वाड मैच कल से खेला जाएगा। पाकिस्तान के शुमाली इलाके कुदरत के खूबसूरत नज़ारों से मालामाल। गैटी दास के पहाड़ों में 107 झीलें देखने वालों पर सहर तारी कर देती हैं। तफरी मुकाम सतसुर माला के नाम से मशहूर है।